लास्ट वीक आई मेट अ फ्रेंड ऑफ माइन. हर पेरेंट्स हैड जस्ट रिटायर्ड फ्रॉम अ गवर्नमेंट जॉब. उसके डैड 2 साल पहले रिटायर हो चुके थे एंड उसकी मॉम अभी रिसेंटली रिटायर हुई है. जैसे कि आपको पता है कंपनीज यूजुअली रिटायरमेंट के टाइम पे एक कॉर्पस अमाउंट आपको देती हैं. सो उसके मॉम एंड डैड दोनों के पास कुछ अमाउंट था, कुछ पैसा था, जिसके लिए वो चाहते थे कि मैं उनके लिए एक इन्वेस्टमेंट प्लान बनाऊं जिससे उन्हें फिक्स मंथली इनकम मिल जाए. लेकिन उसकी कुछ कंडीशंस थी. पहला, स्टॉक मार्केट जैसा रिस्क नहीं होना चाहिए. सेकंड, हर महीने या हर क्वार्टर में उनके बैंक अकाउंट में पैसे आ जाने चाहिए. एंड थर्ड, उनके पैसों पे कुछ टैक्स नहीं लगना चाहिए. सो मैंने उनको एक सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम रिकमेंड किया एंड इन दिस वीडियो आई एम गोना टेल यू व्हाई इट इज वन ऑफ द बेस्ट स्कीम्स फॉर अ फिक्स्ड मंथली इनकम इन 2023. वैसे तो सीनियर सिटीजन के लिए ऐसी मार्केट में बहुत सारी स्कीम्स है जिनमें स्टॉक मार्केट का रिस्क जीरो है. जैसे कि आप देख रहे हैं, ऐसा भी नहीं है कि सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में सबसे ज्यादा इंटरेस्ट मिल रहा है. कुछ कुछ बैंक तो 9% तक का इंटरेस्ट दे रहे हैं सीनियर सिटीजन को, बट वी आर स्टिल रिकमेंडिंग सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम. लेट्स फाइंड आउट व्हाई. सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम इज ऑफर्ड बाय द गवर्नमेंट विच ऑफर्स यू सेफ एंड रेगुलर इनकम इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट. ये आपको इंटरेस्ट हर क्वार्टर में मिलता है एंड दिस इंटरेस्ट कैन बी रिवाइज बाय द गवर्नमेंट इन एवरी 3 months. इसमें आप मिनिमम 1,000 रुपए से लेकर मैक्सिमम 30 लाख तक इन्वेस्टमेंट कर सकते हो एंड करंटली इसमें 8% का इंटरेस्ट चल रहा है. आप इसमें 5 साल तक इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, बट दिस कैन ऑल्सो बी एक्सटेंडेड फॉर 3 more years. So basically a total of 8 years is the duration. Now we'll tell you why this is better than FD in the current scenario. यार अगर आप एक बार FD करवा दो तो आपका उतने टाइम के लिए इंटरेस्ट लॉक इन हो जाता है. सो बेसिकली अगर आपने 2022 में FD कराई होती तो आपको 5.2% इंटरेस्ट मिल रहा होता, जबकि आज के टाइम में उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है 7.5 to 8%. सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में ऐसा नहीं है. आपका इंटरेस्ट हर क्वार्टर में रीसेट होता है एंड द बेस्ट पार्ट इज कि गवर्नमेंट इसको काफ़ी मॉडरेट भी रखती है. सो जब FD का इंटरेस्ट चल रहा था 5%, तो उस टाइम पे स्कीम आपको ऑफर कर रही थी 7.2% का इंटरेस्ट, एंड जब रेट्स बढ़े तो ये इंटरेस्ट बढ़ के 8% हो गया. सो बेसिकली गवर्नमेंट इज टेकिंग केयर ऑफ योर डाउनसाइड टू सम एक्सटेंट एंड यू एंजॉय द अपसाइड. सेकंड बेनिफिट इज कि आपको इस इंटरेस्ट इनकम पे 1.5 लाख के टैक्स बेनिफिट्स मिलते हैं अंडर सेक्शन 80C. FD पे आपको टैक्स बेनिफिट्स तभी मिलते हैं जब आपकी FD 5 साल से ज्यादा की हो. थर्ड फैक्टर इज दैट ऑल्दो FDs आर कंसिडर्ड एक्सट्रीमली सेफ, बट वॉट हैपन इन US उसके बाद आई वुड पुट FDs अंडर द समवट सेफ कैटेगरी. हाँ, 5 लाख तक का आपका RBI सिक्योर्ड होता है, लेकिन उसके जो बाद का अमाउंट होता है दैट टोटली डिपेंड्स ऑन द बैंक. सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में ऐसा कुछ नहीं है. इट इज़ 100% गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड स्कीम. सो आपका पैसा 100% सेफ है, सिक्योर्ड है. कैसे आप कितना पैसा इसमें कमा सकते हैं स्कीम में, वो बताने से पहले आई विल टेल यू वेयर यू कैन फाइंड सच स्कीम्स. व्हाट यू कैन डू इज दैट यू कैन सिंपली गो टू पिरामल फाइनेंसेस ब्लॉग सेक्शन. देखिए, जैसे इस ब्लॉग में इन्होंने काफ़ी सारे एनुटी प्लान्स सजेस्ट किए हुए हैं. इनफैक्ट यहाँ से एक आइडिया लेके हमने एक वीडियो भी बनाई थी SBI एनुटी स्कीम पे. वो वीडियो आप में से काफ़ी लोगों को पसंद भी आई थी. सो यहाँ से आप काफ़ी सारे आइडियाज ले सकते हो. Alright, so coming back to how much you can earn a fixed monthly income from the senior citizen savings scheme. देखिए, इसमें अभी 8% के हिसाब से इंटरेस्ट मिल रहा है एंड ये इंटरेस्ट आपको, इंटरेस्ट पे आउट आपको हर क्वार्टर में मिलेगा. ऑल्सो पर पेरेंट आप 30 लाख तक की इन्वेस्टमेंट कर सकते हो. सो 8% के हिसाब से आपका ईयरली पे आउट हो गया 2.4 लाख रुपीज. सो बेसिकली 2.4 लाख रुपीज आपका हो गया 12 महीने का. सो आपको मिलेगा हर क्वार्टर में, विच इज 1/4 ऑफ द ईयरली अमाउंट, विच कम्स आउट टू बी 60,000 रुपीज, विच मेक्स इट 20,000 रुपीज पर मंथ. बट रिमेंबर दैट दिस अमाउंट इज पर पेरेंट. अगर आपके दोनों पेरेंट्स 30-30 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं तो वो हर महीने 40,000 रुपए की फिक्स्ड इनकम कमा सकते हैं एंड दिस इनकम विल बी 100% टैक्स फ्री. सो इस तरीके से आपके पेरेंट्स हर महीने 40,000 रुपीज का अमाउंट जनरेट कर सकते हैं विदाउट एनी रिस्क व्हाट्सोएवर. अब बहुत सारे लोग बोलते हैं, चलो ये तो एक रिटायरमेंट स्कीम होगी जिसमें आप 30 लाख रुपए मैक्सिमम इन्वेस्ट कर सकते हो एंड एक फिक्स मंथली इनकम कमा सकते हो. ऐसी और कोई रिटायरमेंट स्कीम है जिसमें आप कुछ पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो, हर महीने एक फिक्स इनकम कमा सकते हो विदाउट एनी रिस्क? सो देयर इज वन मोर स्कीम बाय द गवर्नमेंट कॉल्ड द प्रधानमंत्री वाया वंदना योजना. दिस इज ऑल्सो फॉर पीपल अबव 60 years ऑफ एज. इसमें मैक्सिमम 15 लाख तक इन्वेस्ट कर सकते हो फॉर 10 years एंड यू कैन अर्न इंटरेस्ट इनकम.
करंटली इसमें 7.4% का इंटरेस्ट मिल रहा है, विच इज स्लाइटली ऑन द लोअर साइड. 2019-20 में इसमें 8% का इंटरेस्ट मिल रहा था, लेकिन गवर्नमेंट ने उसको कम करके 7.4% कर दिया. इन आर असेसमेंट गवर्नमेंट अभी कुछ टाइम बाद इसका इंटरेस्ट बढ़ा देगी, विच इज वाई दिस मे नॉट बी द परफेक्ट टाइम टू गो फॉर दिस स्कीम. बट लाइक दी सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, इसमें भी आपको एक फिक्स मंथली इनकम मिलती है विद टैक्स बेनिफिट्स एंड जीरो रिस्क. अब चलो ये तो बात हो गई उन लोगों की जिनके पास एक कॉर्पस अमाउंट है एंड दे आर लुकिंग टू जनरेट अ फिक्स मंथली इनकम आउट ऑफ इट. बट ऐसे भी केसेस हैं जहां पर इतना ज्यादा कॉर्पस अमाउंट नहीं है एंड वी अंडरस्टैंड दैट मोस्टली लोगों के पास इतना अमाउंट नहीं होता. उनके लिए भी हमारे पास ऑप्शंस हैं. इस केस में आप एनुटी स्कीम के साथ जा सकते हो. एनुटी स्कीम में आप केवल 15 से 20 लाख रुपए इन्वेस्ट करके हर महीने 30 से 35,000 की इनकम जनरेट कर सकते हो. ऐसी स्कीम को थोड़ा और डिटेल में जानने के लिए आप पिरामिड फाइनेंस के ब्लॉग्स पे जाके देख सकते हो. उसका लिंक हमने अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है. अगर आपके पास कोई बेटर इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस हैं तो प्लीज हमें कमेंट सेक्शन में बताइए. अगर वो हमें सही लगे तो हम उस पर एक वीडियो बनाएंगे एंड वील ट्राई टू एजुकेट यू लाइक वी ऑलवेज डू.